अस्सलाम वालेकुम टीचर हजरात, मैं हूँ इरफान खान। आज एक वीडियो आपके सामने स्पेशल लेकर आ रहा हूँ जो कि बहुत ही फायदेमंद है हमारे भी लिए और हमारे तलबा के लिए। जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए लेते हैं, क्वेश्चन पेपर उनसे सॉल्व कराते हैं ऑफलाइन तरीके से। इसके अलावा जो है एक खास हमारे पास जो है ऑप्शन है जिसमें हम ऑनलाइन तरीके से भी उनको सवालिया पर्चे प्रोवाइड करके उनसे हम ऑन द स्पॉट जो है रिजल्ट्स ले सकते हैं, जो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जो होते हैं उस तरीके के सवाल हम उनसे लेकर। एक खास ऐप है टेलीग्राम, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ऐप है अगर मैं एजुकेशनल नुक्ते नजर से देखूँ तो। तालीमी नुक्ते नजर से बच्चों के लिए यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें एक ऑप्शन जो है, इसमें बोर्ड्स होते हैं अलग अलग, उसमें एक क्विज बोर्ड होता है, उस क्विज बोर्ड के जरिए हम बहुत कुछ उनको दे सकते हैं। और इसी का इस्तेमाल करके हम कैसे सवालिया पर्चे तैयार करें, और जब हम ये बच्चे हल करते हैं तो ऑन द स्पॉट उनको उनके रिजल्ट पता चलते हैं। और जब ये बच्चे जैसा उनको एक ड्यूरेशन दिया गया, मिसाल के तौर पर वहां क्विज में टाइम भी सेट करना होता है, तो टाइम सेट करने के बाद में अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर 20 बच्चे हैं तो वो 20 बच्चों का रिजल्ट ऑन द स्पॉट पूरा क्लियर दिखता है कि किसने कितने और कैसे मार्क्स लिए। तो चलिए हम देखते हैं टेलीग्राम बोर्ड का इस्तेमाल करके हम अपने बच्चों को किस तरीके से उनकी मश्क करा सकते हैं। दोस्तों ये आ चुके हैं हम टेलीग्राम ऐप पर। अब इस टेलीग्राम ऐप में आने के बाद में सर्च में हमको जाना है। सर्च में जाने के बाद में हमको यहाँ क्विज बोट नाम से सर्च करना है, जैसा कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हूँगा क्विज बोट। जैसा कि यहाँ ये क्विज बोट यहाँ पर आया है, ये क्विज बोट पर मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो यहाँ आपको जो है मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं कि आप जो है तैयार करना चाहते हैं क्या क्विज। अब यहाँ पर तो मैंने बहुत से जो है क्विजेस लिए हैं जो बड़े बच्चे होते हैं, यानी कि जो बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं, जो टी टी सी टी टी टैट की तैयारी करते हैं, उस दौरान में लिए थे मैंने, बहुत से तैयार भी करे थे। तो यहाँ पर मैं एक डायरेक्ट जो है आपको तैयार किए हुए ही सवालात बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पूरा रिजल्ट है। आप इस तरीके से जैसा आप यहाँ पर मेनू में जाएंगे, मेनू में जाने के बाद में आपको यहाँ क्रिएट अ न्यू क्विज बोलकर ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर न्यू क्विज बोलकर ऑप्शन आया, जैसे ही यहाँ पर यू हैव एन अनफिनिश्ड क्विज प्लीज फिनिश क्रिएटिंग योर क्विज और सेंड। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ये करता हूँ, ये न्यू क्विज, लेट्स क्रिएट अ न्यू क्विज, फर्स्ट सेंड मी द टाइटल ऑफ योर क्विज। यहाँ पर टाइटल मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा एक स्कॉलरशिप का कोई पर्चा है और वहाँ स्कॉलरशिप का हमारा उर्दू ग्रामर है, ऐसा समझ लो उर्दू कवायद ये अपना टाइटल है। किसका? जो हमारा पर्चा है यानी जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसका। मैं इसको ये सेंड कर देता हूँ। अब वो बोल रहा है कि गुड, नाउ सेंड मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर क्विज, दिस इज ऑप्शनल। ऑप्शनल है ये तो मैं स्किप कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गुड, नाउ सेंड मी अ पोल विथ यूअर फर्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटिवली यू कैन सेंड मी अ मैसेज विथ टेक्स्ट और मीडिया दैट विल बी शोन बिफोर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम सवाल डाल, अब मुझे सवाल तैयार करने हैं ऑप्शन के साथ, यानी कि चार ऑप्शन के साथ मुझे सवाल तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर टिक करूंगा क्रिएट अ क्वेश्चन पर, या पोल क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं सवाल बना रहा हूँ, मंदरजा झेल मतबादिल में से इसमें खास पहचानिए, ये मेरा सवाल है स्कॉलरशिप का, सॉरी। ठीक है, अब यहां पर मुझे चार ऑप्शन देने, मल्टीपल आप ऑप्शंस भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं यहां पर लड़का, दूसरे पे नदी, नदी, हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़, और चौथे पे है मेरा स्कूल। अब ये चार ऑप्शन मैंने उसको दे दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहां पर ये सवाल मेरा यहां पर मेरा ये सवाल तैयार होगा विद ऑप्शन, और यहां पर आपने आगे भी ऑप्शन दे सकते हो लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर जो है हमको एक्सप्लेनेशन भी देते आता है। ठीक है, अब मेरा मिसाल के तौर पर ये बच्चों ने क्या करे कि ये सवाल हल कर दिया, अब उनको वहां एक्सप्लेनेशन देना है। तो एक्सप्लेनेशन अपने तौर पर अपन दे सकते हैं एक टीचर के तौर पर कि एक्चुअल में इसमें खास है क्या। तो मैं यहां दे रहा हूं, वहां पर आपको समझेगा। चलिए, इसमें खास वो नाम है जिसमें जुमले में पता चल जाता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। ऊपर दिए हुए चारों मतबादिल में से हिमालय पहाड़ से हमको समझ में आता है कि किसी मखसूस पहाड़ के बारे में बताया बोला जा रहा है।
ये मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है, ये मेरा एक्सप्लेनेशन। जैसा ही मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, टैप टू चूज द करेक्ट आंसर, सॉरी, यहाँ पर अब हमको जो है सही जवाब क्या है इसका उस पर भी टिक करना होता है। मैंने टिक कर दिया और क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही सवाल तुम तैयार कर सकते। अब जैसा मैंने यहाँ पर मेरे बच्चे जो है जिनका मैंने टेलीग्राम ग्रुप तैयार कर दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो जाएंगे और उनको मैं एक टाइम दूंगा, वो टाइम देने के बाद में 15 सवाल 20 सवाल के लिए 15 मिनट 20 मिनट एक्सवाइज। अब यहाँ उसने सवाल पढ़ा और हिमालय पहाड़ इस पर जवाब टिक कर दिया, तो देखो उसको इस तरीके का जो है सामने उसके ये हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और वो जवाब सही है बोलकर। अब इस बच्चे को यहाँ पर ये लाइट के निशान पर, ये बल्ब के निशान पर जैसा ही वो अपना स्टूडेंट क्लिक करेगा, तो इसमें खास वो नाम है जो मैंने वहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया था कि उसकी जो वजाहत दिया था वो सामने आ जाएंगी इस लाइट पर, इस बल्ब के बटन पर क्लिक करने के लिए। तो इसी तरीके से तुम नए जो है सवाल तैयार करने के फिर से क्रिएट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। क्रिएट क्वेश्चन करने के बाद जो सही जवाब है उसको आपको यहीं पर टिक करना है, यहाँ ऐड एक्सप्लेनेशन में अगर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इतना ज्यादा फायदेमंद है कि ये व्हाट्सअप जैसा जो ऐप है उससे लाख और करोड़ गुना ज्यादा फायदेमंद है तालीमी नुक्ते नजर से देखने के लिए। चूंकि हम टीचर है तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, इसका आप इस्तेमाल करके देखिए। नए जो सिलेक्टेड अपॉइंटेड टीचर्स है वो भी, और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं जो तजुर्बेकार है उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है वो जरूर इसका इस्तेमाल करके देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, शेयर अपने टीचर हजरात के ग्रुप्स में कीजिए, पर्सनली कीजिए। अस्सलामुअलैकुम।